इतिहास को देखना और समझना चाहते हैं तो दुनिया और भारत में इनकी कोई कमी नहीं है। बेशक इनमें से बहुत सारे किले अब जर्जर हो चुके हैं और विलुप्त होने की कगार पर हैं, लेकिन कई सारे किले ऐसे भी हैं जिनकी खूबसूरती और रहस्य आज भी बरकरार है। इन्हीं किलों में से एक है शिवनेरी किला। जंगलों से घिरे पहाड़ों पर बना ये किला महाराष्ट्र राज्य में पुणे में जुन्नर गांव के पास मौजूद है। जुन्नर के आसपास पहाड़ों में लगभग 100 गुफाएं हैं। इन्हीं जुन्नर के आसपास के पहाड़ों में 100 से भी अधिक गुफाओं में मौजूद है एक से बढ़कर एक रहस्यमय किले। उन्हीं गुफाओं के रास्तों में मौजूद है शिवनेरी किला। पौराणिक गुफाओं में मौजूद हजारों साल पहले के किले में ही इस किले का निर्माण करके शिवाजी महाराज के जन्म के समय उनके पिताजी शाहजी ने अपनी पत्नी जीजाबाई की सुरक्षा के लिए इस किले को बनवाया। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 ईस्वी के दौरान हुआ था। शिवाजी महाराज के जन्म के बाद तकरीबन 10 साल तक शिवाजी महाराज का पालन पोषण इसी शिवनेरी किले में हुआ था। साथ ही शिवाजी का नाम देवी शिवाई के नाम पर रखा गया था, जिनका सदियों पुराना मंदिर भी किले के अंदर ही बना हुआ है। किला चारों ओर से बड़ी बड़ी चट्टानों से घिरा हुआ है। किले के बीचों बीच एक बड़ा सा तालाब है जिसे बादामी तालाब कहते हैं। किला बनने से भी पहले का अति प्राचीन मंदिर है। इसी मंदिर में पीने के लिए पानी के दो स्रोत हैं जिसे गंगा यमुना कहा जाता है। इस किले से जमीन को 360 डिग्री तक आराम से देखा जा सकता है। सैनिक यहीं से ही दुश्मनों पर आक्रमण करते थे। शिवनेरी पहाड़ी पर काफ़ी सदियों पुरानी लियांद्रीय गुफाएं हैं जिन्हें देखना और इस रहस्यमय किले के तहखाने में घूमना एक रहस्य जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि इन्हीं पुराणिक गुफाओं में मौजूद हैं सदियों पुराने राजा महाराजाओं के राज व धन दौलत और अनमोल खजाने। पहाड़ी पर स्थित यह शिवनेरी किला देखने में भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और आकर्षक और अकल्पनीय लगता है। पौराणिक समय का यह शिवनेरी किला एवं किले के अंदर परिसर में स्थित प्राचीन गुफाएं, जो जमीन के अंदर बहुत आगे तक जाती है, जिनके रास्तों के बारे में शोधकर्ताओं को भी मालूम नहीं कि ये रास्ते और गुफाएं आगे कहां तक जाते हैं। भारत के राज्य महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित यह शिवनेरी किला जुन्नर शहर के पौराणिक किलों के रूप में जाना जाता है। शिवनेरी यह वही किला है जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन के शुरुआती दिन गुजरे थे। 1637 ईस्वी के दौरान यह किला मुगलों के अधीन हो गया था और फिर कुछ वर्षों के पश्चात तकरीबन 1973 ईस्वी के दौरान महाराज शिवाजी ने इस किले को जीतने का प्रयास किया, लेकिन नाकाम रहे। 18वीं शताब्दी के दौरान यह शिवनेरी किला मराठा साम्राज्य के अधीन हो गया। शिवनेरी किला पुणे से लगभग 105 किलोमीटर की दूरी पर है। शिवनेरी किला 300 मीटर ऊंची एक पहाड़ी पर स्थित है जिसको देखने के लिए 7 दरवाजों को पार करना पड़ता है। इस किले की गुफाओं और दरवाजों से इस बात का पता चलता है कि उस समय इस किले की सुरक्षा कितनी आक्रामक थी। किले का प्रवेश द्वार दक्षिण पश्चिमी की ओर है। शिवनेरी किले के चारों ओर भारी पत्थरों की दीवार बनी हुई है। इस अविश्वसनीय किले के अंदरूनी भाग में प्रमुख इमारतें हैं जिनमें प्रार्थना कक्ष, मकबरा, मस्जिद बनी है। कहते हैं कि किले के अंदर एक मंद दरवाजा है जिसमें राजा महाराजा एक गुप्त दरवाजे से गुफाओं और किले के तहखानों में जाया करते थे। इस किले के अंदर खुफिया चट्टान में आकर्षित गुफाएं बनी है। एक गुफा में मंदिर मौजूद है, इसमें देवी शिवाई की सुंदर मूर्ति स्थापित है। 12वीं सदी में बने इस मंदिर में बहुत से प्राचीन साक्ष्य और खूबसूरत कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। इस किले में बने संग्रहालय में आप कई पुरानी पांडुलिपियों, तलवारों, बंदूकों, सिक्कों और चित्रों के संग्रह को देख सकते हैं। इस संग्रहालय में पेशवा के शासकों के चित्र भी देखे जा सकते हैं। शिवनेरी किले में अनेकों दरवाजे हैं। शिवनेरी किले में पिछले दरवाजे से प्रवेश करने के बाद अंबरखाना को देखा जा सकता है, जो कि बहुत ही अस्तग्रस्त हो चुका है और इसका उपयोग खाद्यान्न के भंडारण के लिए किया जाता था। शिवनेरी किले के पर्यटन स्थलों में शामिल जुन्नार की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है।
और यह प्राचीन गुफाएं इस बात के लिए प्रसिद्ध थी। माना जाता है कि यह गुफाएं दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व और तीसरी शताब्दी ईसा के बीच की बनी है, जिनमें से इन जुन्नार की गुफाओं को तीन प्रमुख समूह में विभाजित किया गया, जिसमें से एक गुफा ऐसी थी कि जब भी कोई व्यक्ति गुजरता था तो इसी गुफा के रास्ते से निकलना पड़ता था। यह एक व्यापार मार्ग होता था, कर या कोई कीमती चीज वसूलने के बाद ही इन रास्तों से जाने दिया जाता था। इस प्रकार किले के तहखानों में खजाना एकत्रित किया जाता था, जो खजाना इन्हीं गुफाओं में मौजूद अनजान सुरंगों में छिपा दिया जाता था। सैकड़ों तहखाने इन्हीं किलों के तहखानों में मौजूद है। सरकार द्वारा इस किले के अनेक रास्तों व तहखानों की गुफाओं को बंद कर दिया गया, जो आज भी हमारे लिए एक रहस्य ही बना हुआ है।